सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 7:11 से। तो मैं पहुँच चुकी हूँ जी गौशाला। तो गौशाला की बात की जाए तो दादी लग चुके हैं जी यहाँ पे खुद निकालने। तो यहाँ पे किल्टा भर दिया है, ये किल्टा लेके जाना है जी मैंने खेत के लिए। और भाई जिब्बो रानी मस्त, जिब्बो रानी भी बढ़िया है। तो आज जो मेरी सुबह की शुरुआत है वो हो रही है जी मेरे आज गोबर के किल्टे से। तो चलते हैं अभी खेत की ओर। तो देखिए जी मौसम की बात की जाए तो आज है जी आसमान पूरा का पूरा साफ, पर अभी ना इधर होके धुंध पड़ी हुई है। और तो देखिए जी सामने वाली पहाड़ियाँ अभी दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ चली हुई है जी ठंडी ठंडी हवा। यहाँ देखिए जी गोबर की बात की जाए, यहाँ के लिए लेके आए हुए जी सड़े हुए सेब, तो इनको यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों एक किल्टा मैंने गोबर का फेंक लिया है, अब दूसरा किल्टा भी दादी भर रही है। तो अभी ना यहाँ पे दूसरा किल्टा भर रहे हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा गोबर होता है। और भाई नहीं लेके आई मैं रोटी, ये मेरे को लग रहा है कि मेरे से रोटी मांग रही है। आप यहाँ से नहीं पी रही? मेरे को गोबर भर तब नहीं पीती है। जा जा जा। ले भाई नहीं पीना इसने। थोड़ा भारी जैसा है पहले वाला किल्टा, हल्का था ये वाला थोड़ा भारी जैसा है। हाँ जी एक भी ठीक था, वैसे तो बहुत ज्यादा भारी होना था वो, पर ही फेंक के आती हूँ वहीं वाले खेत में। तो दोस्तों अब करते हैं जी यहाँ पर साफ सफाई, क्योंकि आज मौसम भी साफ है और यहाँ पर इतने दिनों से बारिश हो रही थी जिस कारण मिट्टी ही मिट्टी हुई थी अंदर के लिए। तो इधर अब साफ करते हैं। बस व्यास दे फेंक थोड़ा। मेरे फूल खा दिए इसने। नमस्ते। दादा भी चल पड़े हैं जी गाय को चुगाने। ठीक है पहाड़ी बुड्ढे डंगर चुगा, देसी बुड्ढा मंजा बिछाए। हाँ ये बोला बाप ने ठीक। तो देखिए जी इधर रसोई की बात की जाए तो यहाँ पे लग चुके हैं जी भटूरों को सेकने। तो देखिए एक भटूरा यहाँ सेकने के लिए लगाया और दूसरा लगाया हुआ है जी पार पकने के लिए। और साथ साथ इधर की बात की जाए तो इधर भटूरे बनके तैयार भी हो चुके हैं और कुछ तीन रहे हुए अब बनाने के लिए। और साथ साथ इधर चूल्हे के ऊपर की बात की जाए तो इसके ऊपर रखी हुई है जी लकड़ियाँ। तो जैसे ज्यादा आजकल बारिश हो रही है उसके कारण ना ये बहुत ज्यादा भीग जाती है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे सूख भी जाती है। हो गया ये भटूरा, दिखाओ जरा।
एक भटूरा। ओहो ये होते हैं जी भटूरे, बहुत ज्यादा नरम नरम खाने के लिए। तो कभी आप सब भी ट्राई करना अपने घर में बनाने के। तो देखिए जी मम्मी की तैयारी भी हो चुकी है आज शिमला जाने की। अच्छे से दिखाना बढ़िया से, ठीक है? ओके ओके। तो पंकू और मम्मी दोनों जा रहे हैं। तो आज ठीक है आप थोड़े, कल से ठीक है? चलो फिर भी दिखा दो एक बार हॉस्पिटल में ना। कहाँ जा रहे भाई तुम? दुकान जा रहे? नमस्ते। ये आई जी मिक्कू, क्या हो गया? ओहो शिकार कर रही है, चल सामने करते हैं जी सूर्य देवता जी के दर्शन। तो देखे जी आसमान आज पूरा का पूरा साफ है, तो सामने ही हल्के से बादल आ चुके हैं और धूप भी बहुत तेज खिली हुई है। और सामने देखे जी शिवान गांव भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और शिवान के ऊपर भी बादल आ चुके हैं, बहुत ही हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। और देखे जी अपने गाँव का सुबह का व्यू। सामने करते हैं जी डूम देवता जी के दर्शन। तो अभी बहुत ही तेज धूप खिली हुई है, तो सामने से आ रहे हैं जी दादा। दादा गए हुए थे जी गाय को पानी देने। नीचे मिलो जी मिक्कू और मौली से। दादा दादी लड़ते हुए झगड़ते हुए। और भी जिब्बोरानी खाओगे आप? लो ये तो पता भी नहीं लगाती एकदम से, पूरी रोटी खा के खत्म। पानी पिएगी? सुबह इसने पानी नहीं पिया था, तो अभी देते इसको पानी। चल ले, पता नहीं। तो जैसे आजकल ना हरा घास ही खिलाते हैं गाय को, तो उसकी वजह से ना गाय बहुत कम पानी पीती है, तो ये नहीं पी रही है। पी रही? पिएगी कैसे? नहीं पिएगी, नहीं पिएगी। ठंड लग रही है इसको, क्या लग रहा दोस्तों आपको? वाह थोड़े से नखरे। तो चलो जी हमारा लंच में निकल चुका है। तो ये है जी मिक्स दाल और चावल, साथ है जी दही और खीरा। तो सब बैठ चुके हैं जी खाने। आधा जैसा भटूरा, आधा ही दो ऊपर है सबसे ऊपर। तो अभी ना थोड़ा आधा भटूरा भी खा लेती हूँ। आइए आ जाइए आ जाइए, हमारे ऑस्कर जी ने भी अपने दर्शन दे दिए आखिरकार। इसका भी अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है। ओए और निकल जी, निकाल और लंबी आ जा नीचे। दोस्तों मैं भी घूम चुकी हूँ इस समय, तो यहाँ चलते ठंडी ठंडी हवा। इधर मिले जी लाली और बिंदी से। और भाई लाली बिंदी ये अभी यहाँ पे सोए हुए हैं। और भाई बिंदी क्या हाल चाल है? ठीक है? ये वही सीधे देखती है, इसने होती है पीठ मोड़ी हुई। हाँ जी देखे इधर उधर देखे जी बहुत बादल आना शुरू हो चुके हैं। यहां से देखो आप, इधर से आ रहे ज्यादा बादल। तो देखे अभी ना यहाँ पे चली है, तो मैं भी जाती हूँ जी अब खेत अपना काम। हाँ जी हाँ अब जाना। तो मैं ना अभी घास लाने जा रही हूँ। तो एक दराटी रस्सी लेके जाने के लिए अपने साथ ना। चलो वाह धूप, कभी धूप तो कभी छाव। वाह ये किसका कुत्ता है? मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं उसी खेत जा रही हूँ जहाँ पे हम कल गए हुए थे। तो वहाँ पे ना कुछ घास बांधने के लिए रहा हुआ था, तो बारिश के जब जैसे बारिश शुरू हुई तो उस वजह से वो वाला घास ना मैं बांध पाई ना मैं इधर लेके आ पाई। तो अभी जाती हूँ, आज सुबह से लेकर धूप लगी हुई है तो वो सूख भी चुका है। तो एक भट्टा में 5-6 पूड़े हो गए शायद, वो 5-6 और निकालूंगी, तो 2 चक्कर मारने पड़ेंगे आज मेरे को। तो मैंने यहाँ पे 6 पूड़े बांध लिए, तो इतने में यहाँ पे कल का घास बांधने के लिए रहा हुआ था तो यहाँ पे रख लिया जी मैंने 6 पूड़े बांध के। निकालती हूँ जी मैं 4 पूड़े,
तभी लेके जाऊंगी पांच पांच पूड़े घर के लिए। तो सिर्फ चार पूड़े ही निकालने के लिए रहे हुए हैं, बाकी घास हो चुका है। चलो करते हैं, अब अभी तक घास बांध रही थी, अब करते हैं जी घास काटना शुरू। भट्टा मैंने लगा दिया है, तब उठाते हैं जी इसको। चलते हैं जी घर की ओर। और यहाँ पे उठना हो रहा है जी टफ। उठ गई दोस्तों, तो इधर लगा करते हैं जी लाइट ऑन। इधर मिले जी ऑस्कर से, ऑस्कर का दर्शन अब जाके हो रहे, और एक हुए थे सुबह के टाइम, और अब तो ऑस्कर को बता कि अब हम जा रहे हैं डिनर करने। तो ये चल पड़ा है जी दौड़ दौड़ के। वाह, क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, है? तो इधर देखे जी रास्ते में ना ऊपर से कहीं से पानी आ रहा है। चल 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 चल, डर गया। ये सोच रहा है कि नीचे पंकू का है, आज उसको ढूंढ रहा है। आजा, इससे भी पहले तो इधर डिनर की बात की जाए तो आज है जी पुलाव। तो इधर निकाल दिया है और सब लग चुके हैं जी खाने।